हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूनम। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजेस ऑफ वर्ड। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू मस्ट नो अबाउट दिस टॉपिक। देर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वर्ड विच वी यूज इन अवर डेली कॉन्वर्सेशन। वर्ड से रिलेटेड हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे सेंटेंसेज यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू ओनली टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो लेंथी एंड बोरिंग। ओके, सो हम इस वीडियो में जानेंगे स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्रेसिंग डिजायर के बारे में। So watch this video till the end. Now let's get started. Now let's talk about the first use of word, that is storytelling. Friends, whenever we talk about the future in the past, so there you have to use would. Means जब भी हम past में कोई भी ऐसी बात करते हैं जहाँ पर हमने future के लिए बात करी हो, तो वहाँ पर आप would का use करेंगे. Okay, I will make you understand with some examples. But before going further, let me show you the formula on the screen. So here you can see, first you have to write subject plus that. Oblique told, untold के साथ आपको me, him या her use करना है according to your sentence. Plus that, plus pronoun, plus would, plus first movement verb and plus object. Now let me give you some examples. The first example is, मेरे पापा ने कहा वह मेरे लिए मोबाइल खरीदेंगे. So friends, you can see I'm talking about for past. My father has already said this sentence, but he said this sentence for future. मेरे पापा ने ये सेंटेंस पहले ही कह दिया है, लेकिन मेरे फादर ने ये सेंटेंस किसके लिए कहा है? फ्यूचर के लिए कहा है कि वह मोबाइल दिलाएंगे, राइट? तो आप कहेंगे माय फादर सेड दैट ही वुड बाय मोबाइल फॉर मी। फर्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट माय फादर सेड, ठीक है? देन यू हैव टू राइट दैट, उसके बाद जो आपका प्रोनाउन है ही हम यूज कर रहे हैं फादर के लिए, क्योंकि आप बार बार फादर नहीं लिख सकते हैं। सो यू हैव टू यूज योर प्रोनाउन ही। ओके, देन वुड, वुड के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बाय एंड देन ऑब्जेक्ट मोबाइल फॉर मी। सो माय फादर सेड दैट ही वुड बाय मोबाइल फॉर मी। इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जांपल। पंकज ने मुझसे कहा कि वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाएगा। अगेन मैं पास्ट की बात कर रही हूँ एंड पंकज ने भी ये सेंटेंस पास्ट में कहा था बट फ्यूचर के लिए, तो आप कहेंगे पंकज टोल्ड मी। यहाँ पर हमने टोल्ड यूज़ किया है क्योंकि पंकज ने मुझसे कहा है। सो जब भी आप मी, हिम या हर का यूज़ करेंगे, सो यू हैव टू राइट टोल्ड। ओके, सो पंकज टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। पंकज टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। सो इस तरह से आप वुड के फर्स्ट यूज़ के एग्जाम्पल्स बनाएंगे एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाने, सो दैट कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड यूज ऑफ वुड, दैट इज फॉर डिज़ायर। मीन्स इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिज़ायर इन फ्रंट ऑफ एनी वन, सो यू हैव टू यूज़ वुड देयर। एंड फ्रेंड्स, यू ऑल्सो हैव टू यूज़ लाइक आफ्टर वुड। यानी कि जब भी आप अपनी इच्छा को, अपने डिज़ायर को किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर वुड यूज़ करना है और आपको लाइक भी यूज़ करना है बट आफ्टर वुड। ओके, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बट सम एग्जाम्पल्स, बट उससे पहले आपको फॉर्मूला देखना है स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू। यू हैव टू यूज हेयर वुड लाइक टू आफ्टर सब्जेक्ट। ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं आपके साथ बाजार जाना चाहूँगी। सो दिस इज माई डिज़ायर एंड नाउ इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस डिज़ायर इन फ्रंट ऑफ यू, सो हाउ कैन आई एक्सप्रेस? तो मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है वुड लाइक टू। ओके, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट विद यू। फर्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट आई, देन यू हैव टू राइट वुड लाइक टू। ओके, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब गो एंड जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद वो आ जाएगा टू मार्केट विद यू। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट विद यू। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। ये भी मेरी डिज़ायर है कि मैं किसी को धन्यवाद देना चाहूँगी, तो मैं कैसे कहूँगी? आई वुड लाइक टू थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक यू। नाउ इफ यू वॉन्ट टू आस्क समवन्स डिज़ायर दैट वॉट इज हिज और हर डिज़ायर, सो हाउ विल यू नो? लेट मी टेल यू। फर्स्ट यू हैव टू राइट वुड यू लाइक टू। ओके, देन उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स नाउ लेट मी शेयर विद यू सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्या आप चाय लेना चाहेंगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी, या फिर वुड यू लाइक टू टेक टी। सो यहाँ पर आप किसी दूसरे की डिज़ायर जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चाय लेना चाहेंगे,
तो आप यहाँ पर इस तरह से कहेंगे। एक और एग्जाम्पल है, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी। सो अगेन यू वॉन्ट टू नो समवन्स डिज़ायर, तो आप कैसे कहेंगे, वट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। वट वुड यू लाइक टू हैव, टी या कॉफ़ी। सो ये है वुड का सेकेंड यूज़, एंड आई होप कि आपको ये यूज़ भी समझ में आ गया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड आई विल शेयर विद यू अदर 3 कॉन्सेप्ट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली मेम्बर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।